ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਗਨੇਡ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਪੈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ चलो तैमूर के पास जाओ हेलो हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई यूट्यूबर हो तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादो? उम्मीद करता हूँ सारे फिट फाट होंगे। मैनू लग रहा है कि तुसी पिछली वीडियो तो बड़े नाराज हो, क्योंकि यू नो मतलब कि आहो मैनू पता है कि वीडियो जरा सस्ती ही। इंशाल्लाह इस वीडियो में थोड़ा मेहनत धो देना। मैं मेरे कहने का मतलब है कि रिवेंज वेंज भी होने वाला, ठीक है, अब्यूसिंग व्यूसिंग भी होंगी है, उस तो बाद फिर उन्होंने फिर मारा जाता है, मतलब कि बहुत ना जरा मामला तय भी होने वाले ने। बाकी अगे बिल्डिंग में फुल स्क्वाड है, ठीक है, मैं बंदे पिछले दोवों मैं काबू किए हैं कि बाबा जी तुम अगे नहीं आना है, भी ए जाना तो मैं जाना। बाकी ये वो वाला वानी फोर नहीं है कि चार बंदे आए सीधे सीधे मार खाई और वापस चले गए। ये वानी फोर बड़ा लंबा जाने वाला, ठीक है, नाक वगैरह करांगा फिर रिवाइव होना उन्होंने, मसलन के मतलब के समझ लो ना मामला तो बड़े हैवी होने वाले ने। चेक करो बस, हूँ मैं इतने उत्ते बिल्डिंग पर बह के वेट कर रहा कि कौन सा बंदा मतलब के गलती करे और मैं उनको पकड़ लूँ। मतलब कि एक बंदा गलती करेगा तो पूरा स्क्वाड जो है काबू किया जाएगा ना उसके बाद। अब लगे हाथ मतलब कि एक बंदा गलती कर देता है, एक बंदे को मैंने नाक कर दिया, दूसरा बंदा बिल्डिंग से सामने वो खिड़की से फायर दे रहा होता है, उसको मैं डैमेज वगैरह देता हूँ काफ़ी, लेकिन नहीं फोत होता वो। अब मैंने नेट कुक कर लिया, ठीक है, मुझे पता है वहाँ से डैमेज हो किसने, सेंटर में ही आना लाजमी बात है, ठीक है, तो इजी नाक वो भी हो जाता है। अब इनका तीसरा बंदा जो है वो मेरी बिल्डिंग में आ चुका है, ठीक है, मैं सामने वालों को नेट वगैरह करा रहा होता हूँ कि चलो शायद एक बंदा फिनिश हो जाए तो आसानी हो जाए ज़रा, लेकिन एक बंदा जो मेरी बिल्डिंग में होता है उसको मारना लाजमी होता है, क्योंकि आगे मैं रश नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से वो कवर देगा, तो इसको घुसकर मैं पकड़ लेता हूँ। हूँ दसो बाबा जी, तीन बंदे इन्होंने नाक हो गए ने, ठीक है, हूँ मैं उन्होंने बिल्डिंग से रश किया, लेकिन वो चारों अब तीन बंदे वो रिवाइव हो जाने हैं, ठीक है, इनके साथ मेरी फिर अभी फाइट होगी, कुत्ते खानी होने वाली है। फिर इधर मैं हील वगैरह करके नेट कुक करता हूँ, लेकिन आगे देखता हूँ तो दरवाज़ा बंद होता है, तो नेट छोड़ के मैं आगे घुस जाता हूँ क्योंकि वो खिड़की पर खड़ा होता है। चेक करो जरा क्या होना है अभी। तो समझ आई है, मतलब मुझे पता होता है कि वो खिड़की पे ही खड़ा है, क्योंकि यहाँ से नाग मेन बिल्डिंग में देना दे ही नहीं सकता बंदा, तो खिड़की पे ही होगा लाजमी। तो दो बंदे नाग होते हैं हैवी से, अब इनका लास्ट बंदा होता है वो भी लो होता है, मैं भी लो होता हूँ, उसके हाथ में ग्रोज़ा होती है तो मेरे पास UMP होती है, तो तकरीबन सेम ही है सीन, ठीक है, उसका ज़रा डैमेज हैवी है और इसकी ज़रा एम हैवी हो जाती है, मतलब सारे बुलेट बंदे को लगते हैं, तो एक लास्ट बंदा इसके साथ मेरी फाइट ज़रा काफ़ी अच्छी चलनी है, चंगा मतलब लड़ के मारता है जवान। अब यहाँ पे कान दोनों को सुन हो जाते हैं, क्योंकि नेट जो फटता है वो मतलब कि दोनों को आवाज़ जानी है, जाहिर सी बात है, तो वो नीचे रिवाइव देने लग जाता है, मैं गा के घुस के मार देता हूँ। तो कैसा लगा 1v4, चेस आई है कि नहीं? बाकी चलते हैं दूसरी गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे ज़रा हमें मुक्के छुके पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इनको रील करना है।
इधर हम इवेंट पे मतलब लैंड हुए होते हैं तो हमारे चारों तरफ बंदे होते हैं, हम मतलब नेट वगैरह फाइट वगैरह कर रहे होते हैं, तो यहाँ सामने से दो बंदे आते हैं, उनको मैं जरा लेता हूँ, चेक करो। अब ये तो लगे हाथ, मतलब फिनिश मैं कर देता हूँ बंदा। इसके बाद बाबा जी वो स्क्वाड आता है जिन्होंने हमें मुक्के शुके कराने हैं, तो सामने चार बंदे होते हैं पूरे, तो चार हम होते हैं, हम सॉरी तीन होते हैं बंदे, तो नेड्स वगैरह करा रहे होते हैं, वो भी नेड्स वगैरह करा रहे होते हैं। अब मैंने इन पे मतलब रश करना है, तो सामने से मेरे साथ क्या होने वाला चेक करो ज़रा। तो इस शेडो ब्लेड की वजह से मतलब मेरी बचत हो जाती है, और ये किल मतलब कि मेरे टीममेट्स को चला कैसे जाता है मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मार मैं रहा हूँ और किल मेरे टीममेट्स को मिल जाता है। इसके बाद बाबा जी मतलब कि दो तीन चार बंदे जितने भी हैं इस बिल्डिंग में, इनके साथ हमारी फाइट होने वाली है। अच्छा समझ गया ना, तो बाकी मैं भी हूँ याद आया कि वो बंदे सामने इवेंट तू आ रहे होंगे ने, इतने सिंगल बंदा होंगे उन्होंने उसी मारने हैं, उस तो बाद दो जे तीन चार बंदे हैं वो सामने बिल्डिंग च ने, हूँ इन्हों साढ़े न फाइट होने वाली है। हीरो मतलब जे हीरो कलैन के बंदे ने चार, इन्हों फाइट साड़ी हूँ होने वाली। अब उनकी तरफ से एक नाक हो गया, अब उनका इरादा जो है वो रश का ही होता है, तो मेरे साथ इधर स्कैम होने वाला है। ठीक है मैं इधर नेट ट्राई कर रहा होता हूँ और बंदे बंदा मेरे साथ क्या करता है चेक करो ज़रा। समझ आई है मतलब कि मैंने नेड कुक किया और उसने स्पाइडर लगा दिया, उस वजह से मुझे साउंड बिल्कुल नहीं आया, जैसे साउंड आया मैंने नेड को छोड़ा और तब तक उसने डैमी दे दिया था अच्छा खासा मुझे। अब इसके बाद दो टीममेट्स मेरे उधर होते हैं, तो उनको पढ़ते हैं छुरे, चेक कर रहे हो हीरो मिर्ज़ा नाम का बंदा छुरे मारता है उनको, तो अब इनके साथ मतलब समझ रहे हो क्या होने वाला है। ये कोई गाली वगैरह नहीं है ठीक है, ये सिर्फ शुगर मेले के तौर पर मीम मैंने लगाई है, तो कोई हिट वाला सीन नहीं है, गेम है चलता रहता है ऐसा। अब हम काफ़ी मतलब कि लंबा सफ़र तय करके, क्योंकि हम खोती रेड़े पे होते हैं जहाज पे तो हम होते नहीं हैं, तो यहाँ पे सामने मुझे बंदा नज़र आ रहा होता है, उसको मैं नज़र आ जाता हूँ। इसके बाद मैंने बिल्डिंग में बढ़ जाना, दो बंदे इनके इधर होते हैं, दो बंदे इनके उधर होते हैं इवेंट पे, तो मैं कहना बाबा जी मतलब कि इनू फड़ लो क्योंकि ज़रा फिर काम ख़राब हो जाना, दो बंदे हैं असी तो जितनी जल्दी हो सकता है इनू फड़ो, तो इन्होंने दोवें बंदे उस तो बाद फिर उन्होंने असी वादा काटा करांगे। हूँ तुम वेख रहे हो एक बंदा मैं नाक किया ठीक है, इन्ने चेर च बाबा जी अगर इन्होंने लत्तां च पानी होंदा तो हूँ तक आ जाना चाहिए इन्हों, लेकिन डर के मतलब उत्थे बैठे रहते हैं जवान, ये मैं वड़ के दूसरा बंदा भी नाक कर दिना वा, हूँ दो बंदे रह गए ने उन्होंने वादा काटा तुम दस दें अगे जाके। एक मेरा टीममेट जो होता है वो उन पर रश कर चुका होता है सामने ठीक है, लेकिन उसको वो ये मतलब ये लोग मार देते हैं। अब उसको मतलब ये फिनिश वगैरह कर रहे होते हैं, लूट वगैरह कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ से मैंने बंदा नाक दे देना इसका। अब ये बंदा नाक मैंने दे दिया ठीक है, मुझे भी आसानी हो गया, अब इनका लास्ट बंदा रह गया, इनके साथ मेरी फाइट होगी, तो रुके बगैर ठुके बगैर सीधा बढ़ के मारेंगे बंदे को। आवाज़ स्लो कर लो या फिर हेडफोन ला लो, मतलब हेडफोन थोड़े लगे नहीं तो फिर ठीक है। मेरा पुत्र तेरी गांड पाड़ना मैं डन हो गया फिर। हूँ बाबा जी गल ऐसी है कि इन्होंने बोला मुझे कि मैं तुम्हें बताता हूँ आगे, तो मैं इधर अभी मेरा एक और क्लाचा ठीक है वो आप लोग देखो, तो तब तक हम इधर ही बैठे होते हैं, तो वो ये लोग मुड़ के नहीं आते ठीक है, इनके साथ हमारी फाइट होगी लास्ट पे। अब इन बंदों ने नाक दिया होता है और ये पुश कर रहे होते हैं, तो मैं इनका एक बंदा नाक देता हूँ, फिनिश करता हूँ और इसके मतलब पीछे बुलाता हूँ टीममेट को कि इधर आके रिवाइव ले ले, दूसरा बंदा मैं लगे आज नाक कर देता हूँ। इनका एक लास्ट टीममेट होता है वो ज़रा नॉर्मली होता है, वो डर के मारे बैठा रहता है, वो आके नहीं आता, तो मुझे नहीं पता होता कि वो नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन मैं जैसे जाके देखता हूँ ना उसकी मतलब पोजीशन, तो फिर मुझे पता चलता है मैं पीछे आगे से होकर मतलब प्रॉपर जैसे खेलते हैं तो मतलब रश करता हूँ, क्योंकि मतलब बंदे के जहन में होता है ना कि क्लच ना ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे मतलब हम इवेंट फतह कर लेते हैं। अब बाबा जी हम पूरी मतलब लोबी घूम लेते हैं लेकिन बंदे हमें नहीं मिलते ठीक है, 14 मेरे किल्स हैं, 13 उधर थे, एक बंदा मैंने गाड़ी के नीचे दिया था, मेरे 14 किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बंदा इनका नाक देता हूँ जो जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया हुआ था ठीक है, तो अब इनके दो बंदे और रहते हैं, हम यहाँ पे कब के बैठे हुए हैं ठीक है, हमने फ्लेयर भी चलाई है, इनको लोकेशन पता थी लेकिन फिर भी नुबड़ा बंदी कर रहे हैं, बातें सुन लो मतलब कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, गल्ला मतलब सुन लो तो काम देखो ओपन च रश कर दे पे।
अब मुझे होता है कि इनका एक बंदा जो है ना हीरो वालों का, ये घूम के ना पीछे चला जाता है, मुझे लगता है कि तीन बंदे हैं, लेकिन ये दो बंदे बच्चे होते हैं जिनपे मैं स्मोक कर रहा हूँ, ये मतलब और अलग पार्टी का होता है बंदा, तो यहाँ पे वो गुस्सा खा जाता है अगर वो भी गाड़ी लेके आ रहा है मुझ पे, वो हीरो वालों का बंदा, तो गाड़ी लेके आता है मारा जाता है गरीब। अब लास्ट बंदा बच जाता है उसको हम जाके मार देते हैं सिंपल। तू मेरा पुत्र दे ले, ये हमारे फूटल से मतलब पाकिस्तानी जो मतलब बातें पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर नहीं उतरा जाता बात अपनी बात पे। बाकी कोई गल नहीं बाबा जी, गेम दी हद तक होता है ठीक है, कोई एड वाला सीन नहीं है हमारा। तो शुगर मेला होता है एक, उन्होंने चैलेंज दिया था, हमने पूरा कर दिया, मतलब हमने वेट किया कि कब तुम लोग मिलोगे और हम लोग फाइट लेंगे। तो अब बाबा जी बताओ कि कैसा लगा कंटेंट, इंशाल्लाह पसंद आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं मजीद बेहतरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।